आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चर्चा में हमारे साथ अभिराज सक्सेना। अभिराज से हम जानेंगे क्या है उनके सक्सेस का राज। कार्य पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ। जमीनें होती हैं तो लोग बिल्डर बन जाते हैं। आपके पास वो जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, वो कैसे मैनेज किया आपने? हमने एक 600 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लिया, वही से मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई है। बेसिकली एक सिचुएशन आई थी नोटबंदी की, उस वक्त सभी बिल्डर्स का बैक टू पवेलियन टाइप का हालात हो गए थे। कई लोगों ने तो बिल्डरशिप छोड़ दी थी। देखिए उस वक्त का मेरे पे एक रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। अभिराज, अभी रनिंग में आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो? तो हमने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, वो था ताप्ती डिवाइन सिटी करके प्रोजेक्ट था। चित्रांश लाइफस्टाइल केएमडी अभिराज सक्सेना सीधे सरल मिजाज के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने मेहनत और संघर्ष के साथ महज 5 सालों में सफलता के वो आयाम छुए जिन्हें पाने में लोगों को अरसा लग जाता है। अभिराज ने भोपाल में इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग के बाद जॉब भी किया, लेकिन इरादा कुछ और ही था। अभिराज के सपने बड़े थे और सपनों को पूरा करने की चाहत उससे भी बड़ी थी। अभिराज मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के गंज बासौदा से ताल्लुक रखते हैं। इंजीनियर बनने के बाद जब काम में मजा नहीं आया तो अभिराज ने स्वयं का बिजनेस करने का निश्चय किया, जिसके चलते बिल्डरशिप और कंस्ट्रक्शन की तरफ उन्होंने अपने कदम बढ़ाए। 16 फ्लैट के एक छोटे से प्रोजेक्ट के साथ शुरुआत की। अभिराज सामान्य परिवार से ताल्लुक रखते हैं, तो स्वाभाविक है आर्थिक स्थितियां बहुत अच्छी ना थी। पैसे कम थे पर जज्बा बहुत था। कड़ी मेहनत और सही मैनेजमेंट के बदौलत अभिराज ने एक के बाद एक कई नए प्रोजेक्ट लॉन्च किए। अभिराज बताते हैं कि उनकी सफलता के पीछे उनके आत्मविश्वास के बाद अगर कोई आता है तो उनका परिवार, जिनका साथ उन्हें हमेशा मिलता रहा है। अभिराज की हमेशा यही कोशिश रही है कि ग्राहकों को कम बजट में बेहतरीन आशियाना मिल सके। अभिराज का कहना है कि आम लोगों के घर का सपना चित्रांश लाइफस्टाइल पूरा करेगा। नमस्कार, मैं हूं शेफाली, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। दखल न्यूज में आज चर्चा में हमारे साथ अभिराज सक्सेना, जो बहुत कम उम्र में बहुत बड़ी ऊंचाइयों को, बुलंदियों तक हासिल कर चुके हैं। अभिराज से हम जानेंगे क्या है उनके सक्सेस का राज। अभिराज, क्या है आपका राज जो आपने इतने कम उम्र में इतनी सफलता हासिल की? देखिए, इसके पीछे ऐसा राज वाली तो कोई बात नहीं है। एक्चुअली मैं तो अपने मेहनत और अपने कार्य पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ, तो ये मेरे लिए नहीं किसी भी व्यक्ति के लिए ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो अपने कार्य के प्रति कितना समर्पित है, उस कार्य के लिए वो कितना समय दे रहा है, उस कार्य में उसकी कितनी एनर्जी, कितना समय उसका लग रहा है। तो एक्चुअल में हुआ क्या है कि हम लोग बड़े छोटे शहर से बिलोंग करते हैं, गंज बासौदा से बिलोंग करता हूँ मैं। तो माँ बाप दोनों मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट थे और कई जगह कुछ लोग ऐसे मेरे को मिले जो काफ़ी काम कर रहे हैं, या उनके पुश्तैनी काम है, या उनका किसी के सपोर्ट से काम है, या कुछ लोग मुझे उनमें ऐसे भी मिले जिन्होंने अपनी दम पे अपने पूर्वजों का या अपने पिताजी का कारोबार बढ़ाया है। तो मेरे पास तो ऐसा कुछ था नहीं कि अपने पिताजी का कारोबार को बढ़ा सकूं, तो मेरे को तो ABCD शुरू से शुरू करना थी, ऐसे ही चालू होना था। तो मैंने अपने दिमाग में एक चीज़ रख ली थी कि काम अगर करना है तो काम के लिए आपको समय देना सबसे इम्पोर्टेंट है, और कार्य के प्रति आप अपने प्रति, कार्य तो छोड़िए आप अपने प्रति कितने ईमानदार हैं, सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा। तो किसी भी सफलता का राज उसके जो वो कार्य कर रहा है उस कार्य के लिए वो अपने प्रति या अपने कार्य के प्रति कितना ईमानदार है, इस चीज पे वो डिपेंड करता है। तो मैं अपने कार्य के प्रति 8 साल या 7 साल से ईमानदार हूँ और आज भी उसी चीज पे अग्रसर हूँ। अभिराज हमको बता रहे हैं कि ईमानदारी आपकी सफलता का राज रहता है। अभिराज, आपने कहाँ से पढ़ाई शुरू की और कैसे इस लाइन तक आप पहुँचे, वो सफ़र क्या है?
हाँ जी, एक्चुअल में मेरा 12th क्लास तक तो गंज बासोदा से ही मैंने 12th करा, और इंजीनियरिंग करने के लिए मैं 2006 में भोपाल आया था, और 2006 में इंजीनियरिंग करते करते मैं बेसिकली मैं कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी हुई है। मेरा सिविल से पढ़ाई का कोई भी संबंध नहीं है। ये वही चीज़ है कि आप अपने आपने जिस कार्य का सोच लिया है कि मेरे को ये कार्य करना है, तो उसके लिए फिर ये कोई भी वैल्यू नहीं करता है कि आप कंप्यूटर साइंस से हो, आप इलेक्ट्रिक्स हो, आप किस चीज़ से हो। मैंने तो इसरो के ऐसे ऐसे वैज्ञानिक देखे हैं जो इसरो में काम करके अपने गांव में किसानों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो इस चीज़ का उससे कोई लेना देना नहीं है। बट मैं आपको अपना बताता हूँ कि मैं 2010 में मैंने इंजीनियरिंग से पास आउट करा, और 2010 में मेरे को ऐसा लगा कि मेरा कुछ होने वाला है नहीं है, और नौकरी भी करना मैंने सोचा नौकरी करूँगा, लेकिन मेरा शायद उतना इस चीज़ में हो सकता है मेरी रुचि ना हो, या मैं इस चीज़ में अच्छे से कर नहीं पाया अपनी पढ़ाई को, बहुत अच्छे से नहीं कर पाया हूँगा। लेकिन मैंने किताबी ज्ञान की जगह मैंने अपनी पढ़ाई में व्यवहारिक ज्ञान को लिया। मैंने बोला कि अगर आपके पास व्यवहारिक ज्ञान है तो किताबी ज्ञान तो अपने आप आ जाएगा। फिर मैंने इस इंजीनियरिंग की लाइन को थोड़ा सा मॉडिफाई करा, और मैं जो कंप्यूटर साइंस में सॉफ्टवेयर से मैं अपना काम करना चाह रहा था, तो मैं अपने सॉफ्टवेयर की जगह मैंने नेटवर्किंग की तरफ गया। मैंने फील्ड चेंज करना तभी शुरू कर दिया था जब मैंने SCL में मैं था, मेरे को याद है SCL में मैंने CCNA सर्टिफिकेशन कोर्स किया, एक सिस्को का बहुत बड़ा सर्टिफाइड कोर्स होता है, तो मैंने वो नेटवर्किंग का कोर्स करा। सॉफ्टवेयर से अब मैं नेटवर्किंग में आ गया। नेटवर्किंग में आने के बाद मेरे को लगा कि नहीं यार, यहाँ भी उतना मजा नहीं आ रहा है, तो फिर मैंने अपने आप को देखा कि मैं किस चीज के कारण मैं परेशान हो रहा हूँ, मतलब क्या रीजन क्या है उसका कि मैं जिस फील्ड में हूँ वो फील्ड का मेरे को काम समझ में नहीं आ रहा है। तो मैंने बोला नहीं, अब मैं एक बिजनेस करूंगा। तो मैंने बोला नौकरी तो मेरी करा, मैंने 6 महीने 8 महीने काम करा, एक कंपनी में काम करो, वो कंपनी 6 महीने में ही बंद हो गई, तो फिर इसके बाद नौकरी से मूड थोड़ा सा हट गया। अब इसके बाद फिर मैंने बोला नेक्स्ट अब क्या करना है, तो नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन बचता था बिजनेस का। बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, लेकिन पैसा मेरे पास था नहीं उस समय पे, लेकिन पैसा नहीं था। इसके बाद भी मैंने जैसे जैसे मदर फादर मेरे एक्चुअली गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मैंने उनके नाम पे लोन ले लिया था थोड़ा सा, PLEL लेके, जब बिल्डरशिप का कोई मैं जानते ही नहीं था, बेसिकली मैं तब की बात कर रहा हूँ आपसे। तो लोन लेने के बाद फिर मैंने अपना काम चालू करा, और मैंने कंसल्टेंसी फर्म डाली, मतलब मेरे को नौकरी नहीं मिल रही लेकिन मैं दूसरों को नौकरी दिलाने के लिए फर्म डाली कि अब मेरे को नहीं मिल रही है नौकरी, लेकिन मैं दूसरे को नौकरी दिलाऊंगा। बट वो बिजनेस भी मेरा 6-8 महीने चला और वो भी बंद हो गया। अब आ गया 2011 और 2012 के बीच की बात है। 2012 में मैंने बोला कि अब क्या कर सकते, तो फिर मैंने कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलके एक पब्लिकेशन हाउस खोला। पब्लिकेशन हाउस में बेसिकली हम करते करते कॉन्सेप्ट ये था उसका कि हमने 12th क्लास तक पढ़ा हिंदी मीडियम में, 12th के बाद जैसे ही हम कॉलेज में आते हैं तो कॉलेज में वो चीज़ हो जाती है इंग्लिश में, तो हमारा तो जो हमने तो पूरा जो बेस जो लिया था वो हिंदी में लिया था, अब वो आ गया इंग्लिश में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई हिंदी में पढ़ रहा और आप उसको अंग्रेजी में एकदम दे दो तो वो कैसे पढ़ पाएगा। और देखिए क्या होता है कि छोटे शहरों में इंग्लिश का थोड़ा कल्चर भी कम है, बेसिकली बड़े शहरों में आप अंग्रेजी बोलो, मैं भी आज आपसे इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, अपने इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को ये बेसिकली नॉलेज में है। बट लेकिन छोटे शहर में अगर आप जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको बेसिकली मिलेंगी नहीं। तो मैंने बोला एक पब्लिकेशन हाउस खोलते हैं, और उस पब्लिकेशन हाउस के अंतर्गत जो इंग्लिश और हिंदी का हम ट्रांसलेशन करेंगे और एक बुक निकालेंगे। तो बुक हमने निकाली फर्स्ट ईयर की जिसमें बेसिक नॉलेज होता है इंजीनियरिंग का। तो हमने बोला यहाँ से कुछ सीखेगा फिर सेकंड ईयर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक जाएगा वो एक बात का मैटर है। तो हमने वो बुक हाउस खोला, बट लेकिन क्या हुआ कि उस समय उस बुक का कॉम्पिटिटर ने भी उस समय उसे तैयारी कर रखी हुई, वो नॉलेज हमको था नहीं बेसिकली। और एक बुक और जो बहुत फेमस बुक थी, यहाँ लोग पढ़ते हैं उस बुक को, वो बुक भी उसी समय लॉन्च हो गई मार्केट में। तो हमारी बुक का जितनी मेहनत थी और जिन हमने राइटर्स को ले रखा था, मैं राइटर्स के लिए आज भी उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहता हूँ कि राइटर्स से मैंने बिना पैसों के सिर्फ बात में काम कराया था कि आप बुक लिखो और मैं प्रिंट करूँगा। मैंने छापी, सब कुछ करा, मार्केटिंग भी करी, लेकिन वो बुक नहीं चल पाई, मेरा वो बिजनेस भी बेसिकली फिर फाइनली जाके बंद हो गया। संघर्ष भरा जीवन रहा, पहले खुद नौकरी करना, जब नौकरी छूट जाती है कंपनी ही बंद जाती है, उसके बाद एक जुनून आता है कि दूसरों को नौकरी दिला पाए, उसके लिए कंसल्टेंसी खोल लेना, और जब वो भी नहीं चल पाई फिर एक किताब छाप देना कि अब उससे पढ़ाई करें, और जब वो भी बंद हुआ फिर अभिराज आगे क्या करना शुरू किया अभिराज ने, वो जानते हैं।
बेसिकली अब फिर मेरे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं था, तो मेरे कोई रिलेटिव है जो भोपाल में बिल्डरशिप का काम करते थे, अभी तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है आजकल, इसलिए उन्होंने इस समय काम करना बंद कर दिया है। तो मेरे पापा के ब्रदर हैं, चाचा है मेरे, बेसिकली वो मेरे गुरु भी हैं, ये काम मेरे को सिखाने वाले वही हैं, मतलब मैं उनको खुलेआम बोला है कि मैं मतलब आपसे ही सीखा हूँ। तो उनका छोटा कारोबार एक था, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं था लेकिन एक अच्छा कारोबार उनका था, और बेसिकली वो सिंगलेक डुप्लेक्स का काम करते थे, कुछ कॉलोनीज भी उन्होंने डेवलप करी, और बेसिकली वो एक बहुत अच्छे आर्किटेक्ट है, लेकिन वो आर्किटेक्ट जो है वो कॉलोनीज वगैरह का नक्शा वक्शा और ये सब चीज़ें डिज़ाइन करने के में एक्सपर्ट है, तो उन्होंने होशंगाबाद रोड पे कई कॉलोनी है जिसका उन्होंने नक्शा वक्शा सब कुछ बनाया हुआ है, तो उनसे मेरा संपर्क हुआ, तो मैं उनके साथ रहने लगा, तो रहते रहते मैं उनसे सीखता रहा कि ये कैसे काम करते हैं, इनका स्टाइल क्या है काम करने का, कैसे लोगों को मैनेज करते हैं। बेसिकली कोई भी बिजनेस होता है तो उसमें आपको मैनेज करना है लोगों को, बिजनेस का मतलब ही होता है कि मैनेज करना। मैनेजमेंट करना, तो उनसे मैंने सीखा। इसके बाद फिर मैंने अपने मदर फादर को बताया कि वो बिजनेस ऐसा ऐसा वो करते हैं और अब मैं भी ये काम करना चाहता हूँ। अब आप सोचिए कि 10,000 रुपये महीने की नौकरी करने वाले सरकारी कर्मचारी, और उनसे बोल दिया कि मेरे को बिल्डरशिप का काम करना है, तो उनके ऊपर क्या बीती होगी, वो तो खैर जब का बीती होगी, हालांकि उन्होंने मुझे कभी जिक्र नहीं किया इस चीज का कि उस समय क्या हुआ था। अभिराज, बहुत संघर्ष के बाद जब लगा कि बिल्डरशिप करना है, बहुत उतार चढ़ाव बहुत कम उम्र में आपने देखे, माता पिता भी शौक थे आपके कि 22 साल की क्या चली करेंगे। गई थी हाँ, उस समय। तो उस वक्त जब आपने बिल्डरशिप का काम सोचा कि मुझे कर लेना चाहिए, 22 साल की उम्र थी, माता पिता भी शौक थे, पैसा जेब में था नहीं, नॉर्मली क्या होता है जमीने होती हैं तो लोग बिल्डर बन जाते हैं, आपके पास वो जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, वो कैसे मैनेज किया आपने? देखिए वही से मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई है, बेसिकली रियल एस्टेट और बिल्डरशिप का काम मैंने उसी समय से शुरू करा। हुआ क्या, मैंने जब मदर फादर को बोला कि मेरे को बिल्डरशिप का काम करना है, नहीं ऐसा नहीं हुआ था, बेसिकली उनको बाद में बताया, तो मैंने काम शुरू कर दिया था। मेरा एक फ्रेंड है, काफी पुराना फ्रेंड है, आज भी फ्रेंड है, उस फ्रेंड के माध्यम से मैंने उसको ये चीज बताई कि अपन बिल्डरशिप का काम ऐसा ऐसा चल रहा है और अपन ऐसा शुरुआत कर सकते हैं, तो उसने पैसा उसके पास भी नहीं था, लेकिन उसने कैसे कैसे अरेंज करके थोड़ा सा पैसा उसने अरेंज करा, और हमने एक 600 स्क्वायर फिट का एक प्लॉट लिया। 600 स्क्वायर फिट के प्लॉट भी हमने मतलब खरीद नहीं पाए थे, हमने उसको सिर्फ टोकन करा था, और हम उस प्लॉट को बेचना शुरू कर दिया हमने कि अब ये 600 स्क्वायर फिट का एक सिंगलेक्स हमको बेचना है। और उस समय क्या होता था, आपको एक चीज बताऊं कि पेपर एडवर्टीजमेंट वगैरह काफी चलता था, लेकिन हमारे पास वो उसके लिए भी पैसा नहीं था कि एडवर्टीजमेंट करेंगे तो अभी 20,000 रुपए का एड भास्कर दे या कोई भी पेपर हम लेते हैं तो उसका क्लासिफाइड एड उस समय इतने का ही चलता था, ये मेरे को बहुत अच्छे से याद है। तो फिर मैंने बोला यार ये तो बड़ा प्रॉब्लम वाली बात हो गई, अब कैसे अपन, अब प्लॉट तो जैसे तैसे ले लिया है अपने टोकन करके और उसको बेचना है, तो अब उसको बेचे कैसे। तो बड़ी इंटरेस्ट आएगा आपको ये सुन के कि हम सुबह, उस समय हमने एक प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, पैम्पलेट मार्केटिंग करते हैं, सुबह जो हॉकर्स अपने बैठते हैं वहाँ पे और उनके साथ पेपर में खुद ही हमने डलवाना शुरू किया, पैम्पलेट छपा है ब्लैक एंड व्हाइट, उस समय 100 रुपए के 1,000 पैम्पलेट छप जाते थे ब्लैक एंड व्हाइट, और वो हम 100 या 200 रुपए पर 1,000 पेपर का वो लेता था ये अपना पेपर डालने वाला हॉकर। तो हम खुद उसके साथ शुरू हो गए कि हमने कहा भाई एक काम कर, तू 100 रुपए ले लेना, हम खुद डालना शुरू कर, जो तू डालेगा उसके 200 रुपए ले लेना, जो हम डालेंगे उसके 100 रुपए ले लेना। तो ऐसे करके हमने उसकी पैम्पलेटिंग कराना शुरू कर दी, और पैम्पलेटिंग कराने के बाद फाइनली हमने वो 600 स्क्वायर फिट का सेल कर दिया, उस पैम्पलेट के माध्यम से ही हमने सेल कर दिया था। फिर वो एक बिका, फिर इसके बाद एक हमारे फ्रेंड के एक फ्रेंड है, तो उन्होंने बोला कि एक प्लॉट हमसे ले लो, तो उन्होंने देखा कि काम करने के लिए लड़का जुनूनी है, काम करना चाह रहा है लेकिन सपोर्ट नहीं है, तो उसने एक सस्ता था प्लॉट मेरे को दिया कि एक प्लॉट ले लो, और उस पर मैंने अपने मदर फादर के नाम से, अब मदर फादर के बाद बात पहुंच गई थी कि काम शुरू हो चुका है, और वहाँ जो भी सिचुएशन हो मेरे को नहीं पता, आज भी नहीं पता। अब मैंने बोला कि एक प्लॉट हमने बेच दिया, एक प्लॉट और मिला है, उस प्लॉट के ऊपर हमको फ्लैट बनाना है, तो मैंने बोला लोन कराना है, तो बस वो लगे क्या ये क्या काम है, ये क्या तरीका है, ये कोई काम होता है, ये अपने लिए थोड़ी है, ये तो बड़े लोगों के लिए काम होते हैं। तो मैंने बोला करना तो है, उन्होंने जैसे भी जो भी उनने दिल पे पत्थर रख के जो भी सोचा हो या जो भी एक्स वाई जेड करा हो, उन्होंने बोला ठीक है तुम लोन करा लो। फाइनली हमने उस प्लॉट को लोन करा लिया उस प्लॉट के ऊपर, और हमने उस प्लॉट को खरीद लिया,
अब हमने उस प्लॉट के ऊपर बनाने, 4 फ्लैट बनाना थे हमको। अब प्लॉट खरीद लिया, बनाने के लिए पैसे नहीं है, तो अब वो प्लॉट को कैसे करा जाए? तो हम लोग ऐड डालेंगे, फिर वही सोच, फिर वही आके खड़े हो गए कि अब वो जैसे तैसे एक बेचा, अब दूसरे पे आ गए, फिर वहीं आके फंस गए। फिर हमने वही पैटर्न अपनाया कि अपना पैम्पलेट छपा है और अपना डालना शुरू करा। तो फाइनली हमने 2013 में हमारी बिल्डरशिप की शुरुआत हुई, और 2013 में हमने उसको लगभग मिड में, मिड की बात है 2013, मतलब मिड मतलब हुआ 10 दिसंबर के आसपास का, नवंबर दिसंबर में, उसके आसपास हमने उसको भी सेल आउट कर लिया था। सेल आउट करने में सबसे खास बात ये रही कि हमने जहाँ वो, हम जिस प्लॉट पे वो बिल्डिंग बना रहे थे, उस प्लॉट के पड़ोस में 2 लोग रहते थे, उन 2 लोगों ने हमको सपोर्ट करा कि लाओ हम खरीद रहे हैं। वो बेसिकली रेंट पे रहते थे। अब हमारा बेचने का एक कॉन्सेप्ट था कि हमको सिर्फ 20% मार्जिन मिल जाए। अगर मान लीजिए मैंने 1 लाख की चीज बेची है तो हमको सिर्फ 20,000 में मिल जाए। हमने लालच नहीं करा कभी भी, और लालच हम आज भी नहीं करते हैं। आज भी हम बहुत कम मार्जिन पे काम करते हैं। लेकिन हमको उस समय, हमने वो प्लॉट को बेचना, फ्लैट को बेचना चालू करा, और हमने वो फ्लैट फाइनली 2013 में बेच दिए। और शुरुआत हर किसी का कोई एक आदर्श होता है, आपके आदर्श कौन है? मेरे आदर्श तो मैं आपको बताऊं, मेरा आदर्श तो मैं खुद ही हूँ। बेसिकली ऐसा किसी व्यक्ति को नहीं बोल सकते कि इस व्यक्ति सीखा या उस व्यक्ति से सीखा या किसी, एक्चुअली में हर व्यक्ति की अलग अलग क्वालिटीज होती है। आप किसी एक व्यक्ति को बोल के नहीं बोल सकते कि मुझे इसके जैसा बनना है या मुझे इसके जैसा बनना है। जैसे आपके पास 10 लोग हैं तो 10 के अंदर 10 अलग अलग क्वालिटी है, तो आप उस क्वालिटी को एक्सेप्ट कर लो, उस क्वालिटी को आप ग्रहण कर लो। तो आदर्श मेरे एक नहीं, ऐसे कई लोग हैं आदर्श। आप भी मेरे आदर्श बन सकते हो। आज आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं आपकी बात करने की स्टाइल सीख लूंगा, तो आप भी मेरे आदर्श हो गए। फैमिली में आपके कौन कौन है? फैमिली में मेरी वाइफ है। 2013 के बाद जब बिल्डर बन गए थे, 2014 में शादी भी हो गई, फाइनली लड़का बिल्डर बन गया। और मेरे मदर फादर हैं, अभी भी जॉब में है, गवर्नमेंट जॉब में। एक मेरा छोटा भाई है, वो भी, उसकी पढ़ाई यहीं से ही हुई है भोपाल से, और वो गंज वासुदेव मदर फादर के पास ही रहता है, और वहीं उसका अलग बिजनेस है। आदर्श, ये आपसे एक चीज और जानना चाहूंगी विराज, कि ठीक है आदर्श आपका कोई नहीं है, आदर्श सब सभी आपके हैं, लेकिन कोई ना कोई एक होता है जो हमारी सक्सेस के पीछे होता है। कहते हैं ना किसी हर सक्सेस व्यक्ति के पीछे किसी ना किसी का हाथ है, तो आपके पीछे किसका हाथ है? देखिए आदर्श की अगर अगर फिर अगर नाम लेने की बात आए, तो फिर मैं अपने मदर फादर को अपना आदर्श मानता हूँ, और जो मेरे पापा के ब्रदर थे, जो मतलब मेरे चाचा हुए, वो मेरे गुरु हैं। मतलब वो भी एक मेरे आदर्श ही हो गए, क्योंकि उनसे मैंने सीखा, माँ बाप का सपोर्ट मिला, मेरे पास तो कुछ था नहीं। काम करने का स्टाइल चाचा ने सिखाया, और मदर माता पिता ने करी, वही मेरे आदर्श हुए। अभिराज ने 2013 तक का सफर तो हमको बता दिया, लेकिन 2013 से आज 2018 है, वो सफर कैसा है अभिराज का? 2013 मिड की मैं आपको लास्ट स्टोरी जो मैंने सुनाई, जो मैंने 4 फ्लैट बनाए थे, 2013 मिड की स्टोरी है। फिर क्या होता है कि जब आप काम, देखिए वही एक कहावत है कि अगर आप किसी काम को करने की दिल से तमन्ना हो, तो सारी वो एक कहावत, मूवी का डायलॉग भी, सारी कायनात आप उसको सफल करने में आपके साथ हो जाती है। तो वही बात हुई 2013 मिड में, जब मेरा ये प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, तो जिनसे मैंने ये प्लॉट लिया था, उन्हीं प्लॉट के जो ब्रदर हैं, उन्होंने बोला कि यार तुम काम कर ही रहे हो। एक्चुअली उनको भी लालच आ गया कि अच्छा लड़का मिल गया, ये तो लगा रहता है, जुनूनी है, मतलब लगा हुआ है कुछ, जो यही काम कर रहा है कि बेच रहा है, मुझे काम करना है। तो उन्होंने फिर एक प्लॉट और मेरे को दे दिया, उसमें मैंने साईं कृपा अपार्टमेंट, बेसिकली सही बिल्डरशिप की शुरुआत मेरी वहीं से हुई। तो 2013 में मेरा एक प्रोजेक्ट और लॉन्च हुआ, साईं कृपा अपार्टमेंट 1, उसमें लगभग शायद 12 फ्लैट थे, 12 या 13 फ्लैट थे, और उसको बेचने में भी हमने शुरुआत करी। एक्चुअली प्रॉब्लम वहाँ भी वही थी कि प्लॉट तो मिल गया, अब पुराने प्लॉट भी आपके पास है, अब आपको उसका फंड मैनेजमेंट भी करना है, और अगर आप नया वाला प्लॉट ले रहे हो तो नए प्लॉट का कंस्ट्रक्शन भी आपको करना है, तो नए प्लॉट का कंस्ट्रक्शन करना है, फिर आपको पैसा चाहिए। तो वो पैसे की शॉर्टेज जो जब से बनी हुई है, तो हालांकि वो पैसे की शॉर्टेज तो आज भी, कोई भी बिजनेस रनिंग होगा तो पैसे का आपको फंड मैनेजमेंट का पूरा काम है, पूरा आपको मैनेज, हर चीज को मैनेज करना है पूरे तरीके से। तो फाइनली हुआ क्या कि वो प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद, फिर हमने बोला कि अब एड वेड लगाने का काम कैसा किया जाए। एड अभी तक, एड अभी, फिर अभी भी मेरी पूरे उसमें एड का कोई काम नहीं था, फिर वही पैम्पलेट छपवाओ, डलवाओ। हाँ, लेकिन तब और 2013-12 में और 2013 के आखिरी में एक बहुत बड़ा अंतर था कि पैम्पलेट 2014 हमने नहीं डाले, 2013 में। ये बहुत बड़ा अंतर था अभिराज के लिए, कि पहला प्लॉट जब बेचा था तो अभिराज ने खुद पेपरों में पैम्पलेट डालकर और कुछ
बात करके हॉकर्स के साथ खुद ही बांटना शुरू कर दिए थे, लेकिन 2013 में ये डिफरेंस जो अभिराज को मिला था उसकी बहुत खुशी थी कि पैम्पलेट हमने खुद नहीं बांटे थे, है ना अभिराज? हाँ, खुद पेपर में डालने का काम अभी यहाँ बंद हो चुका था, इतना पैसा आ चुका था कि हॉकर्स को सामने खड़े होकर अपन खड़े होकर उससे बोलते थे कि आप डलवाइए। तो ये उस दिन बिल्डर होने का थोड़ा सा एहसास आपके अंदर आ गया था, थोड़ा सा एहसास आ गया था। इसके बाद फिर 2013 के बाद फिर 2014 जून में मेरी शादी हुई, तो वही प्रोजेक्ट कंटिन्यू, तीनों प्रोजेक्ट चलते रहे। फिर शादी हो गई मेरी, क्योंकि लड़का बिल्डर बन चुका था तो पार्टियां भी आने लगी थी कि चलो ठीक है। ये अभिराज, मैं अभिराज आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, ये बहुत बड़ा अभिराज के संग प्लस पॉइंट था कि लड़का बिल्डर बन गया है, दो चार पार्टी आने लगी थी और फिर शादी कर ली थी मैंने। शादी कर ली थी, अब शादी के बाद में फिर ये तो रनिंग, अब एक्चुअल में तब तीन प्रोजेक्ट थे, 2018 में लगभग 12 या 13 प्रोजेक्ट मेरे 9-10 कंप्लीट हो चुके हैं और लगभग तीन प्रोजेक्ट मेरे रनिंग में। बट उस तब के प्रोजेक्ट आपके प्रोजेक्ट में वॉल्यूम में बड़ा डिफरेंस है कि मान लीजिए उस समय मैंने टोटल 20 करे थे तो आज मैंने 600 पे पहुंच गया हूँ मैं, तो वो वॉल्यूम का बहुत बड़ा डिफरेंस है। अब लड़का बिल्डर बन चुका है और शादी के प्रपोजल आ चुके हैं, शादी भी फाइनली हो गई। बाय डिफॉल्ट मेरे ससुर जो हैं वो सीएम हाउस में रिलीफ फंड में हैं, मतलब थे, अब तो रिटायर्ड हो गए हैं, और सासू माँ भी मेरी गवर्नमेंट जॉब में थे, तो दोनों जॉब में हैं, मतलब अब तो रिटायर्ड हो गए। एक मदर इन लॉ अभी जॉब में है, बेसिकली उनकी तबीयत बहुत अभी भी खराब रहती है। अभिराज के साथ उनके सक्सेस की कहानी यूं ही जारी रहेगी, फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। चर्चा में हमारे साथ अभिराज सक्सेना। अभिराज से हम जानेंगे क्या है उनके सक्सेस का राज। कार्य पे ज्यादा विश्वास रखता हूँ। जमीनें होती हैं तो लोग बिल्डर बन जाते हैं, आपके पास वो जमीन का टुकड़ा भी नहीं था, वो कैसे मैनेज किया आपने? हमने एक 600 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट लिया, वही से मेरे संघर्ष की शुरुआत हुई है। बेसिकली एक सिचुएशन आई थी नोटबंदी की, उस वक्त सभी बिल्डर्स का बैक टू पवेलियन टाइप का हालात हो गए थे, कई लोगों ने तो बिल्डरशिप छोड़ दी थी। देखिए उस वक्त का मेरे पे एक रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। अभिराज अभी रनिंग में आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो? तो हमने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, वो था ताप्ती डिवाइन सिटी करके प्रोजेक्ट था। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अभिराज से बात करते हैं, अब उनके कौन से प्रोजेक्ट इस वक्त चल रहे हैं? बेसिकली वहीं से मैं शुरुआत करता हूँ कि साईं कृपा अपार्टमेंट 1 हमारा बना और फिर वो सफर जो चालू हुआ 2014 और 2015 का, साईं कृपा अपार्टमेंट 2 हमने लॉन्च करा, फिर राजेश्वर पैलेस लॉन्च करा। इसके बाद फिर राजेश्वर पैलेस लॉन्च करने के बाद फिर हमारे बालाजी टावर करके एक प्रोजेक्ट है वो लॉन्च हुआ। बस यहाँ से ये लगभग हम अब 70 के आसपास के आंकड़े हमने कंप्लीट कर दिए थे, और 70 के आंकड़े कंप्लीट करने के बाद फिर हम पहुँच गए मंडीदीप सीधा, क्योंकि हमने फिर एक चीज़ इस बीच में 2015 तक ये समझ ली थी कि अगर बिल्डरशिप करना है आपको भोपाल में तो उसका सबसे मेन टारगेट जो कस्टमर है वो है अफोर्डेबल हाउसिंग वाला कस्टमर। बेसिकली क्या होता है कि अगर किसी भी शहर में अगर 100 लोगों के लिए आप घर बना रहे हो तो 100 में से 30 लोग ऐसे होते हैं जो आप मिड क्लास वाले होते हैं या अपर क्लास के होते हैं जो हाई बजट के या हाई रेंज के घर खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हम बात करें अफोर्डेबल हाउसिंग में, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में उस समय का सबसे खास बात यह है कि कोई था नहीं, कॉम्पिटिटर कोई नहीं था। मतलब आज और 2015 की बात करें तो आज की डेट में बड़े बड़े बिल्डर भी अफोर्डेबल हाउसिंग की तरह, अरे भैया आप अपना 50 लाख का 1 करोड़ का घर बना रहे थे वहीं रहते, हमने अफोर्डेबल हाउसिंग का काम चालू करा तो लोगों ने अफोर्डेबल हाउसिंग का काम चालू कर दिया, क्योंकि हमने ये सोच लिया था कि हमको लो बजट में काम करना है। लो बजट में काम करने से क्या होगा, कस्टमर का वो जो क्राइटेरिया है वो बहुत बड़ा क्राइटेरिया है, उसमें हमारे पास लोग ज्यादा आएंगे। तो हमने फिर एक वैष्णो एवेन्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करा और हमारा सीधा सा उसमें एक ही कॉन्सेप्ट था ये वाला कि हर व्यक्ति को उसके अपना सपनों का घर, सपनों का आवास उसको अपने बजट में मिले,
उस दृष्टि से हमने ये प्रोजेक्ट लॉन्च करा था और हमने इसमें 100 के आसपास फ्लैट का निर्माण करने के लिए हमने इसको लॉन्च करा। इसमें जानना चाहूंगी जो ट्रांस लाइफ स्टाइल प्रेजेंस लिखा है वैष्णो एवेन्यू जी आपका, इसमें क्या चीजें आप अवेलेबल करा रहे हैं अपने कस्टमर के? बेसिकली ये प्रोजेक्ट तो हमारा रेडी पोजीशन हो गया है। ये हमने 2015 में लॉन्च करा था, 2015 लॉन्च करने के बाद हमने इसका पोजीशन स्टार्ट कर दिया है। और इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हमारा ये कवर्ड कैंपस का सबसे कवर्ड कैंपस, तो मुझे सबसे पहली बात तो आप सुन के आश्चर्य होगे इस चीज का कि ये प्रोजेक्ट किस बजट का था। ये 5,99,000 में 1 BHK और 6,99,000 में 2 BHK, ये दो रेंज के इसमें मकान थे। अब 2015 के बाद क्या हुआ कि 2014 में मोदी सरकार बनी थी, इसके बाद एक प्रधानमंत्री आवास योजना का 2015 के मिड में लगभग प्रधानमंत्री आवास योजना का एक योजना आई, उसके अंतर्गत उस समय 2,20,000 रुपए का सब्सिडी का प्रावधान था कि कोई भी 6 लाख का घर खरीद रहा है तो उसको 2,20,000 की सब्सिडी मिल गई। इसका मतलब हुआ कि 3,80,000 रुपए का घर हो गया अभी। हाँ। है इसका हमने भरपूर उपयोग करा है इसका, मतलब भरपूर हमने प्रधान, मतलब भोपाल शहर में मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना का जो ब्रांडिंग जिसने जिस बिल्डर ने करी वो मैं हूँ। मैंने कस्टमर को इतना कन्विंस करा, इतना समझाया कि 6 लाख का घर ले रहे हो, 2,20,000 की सब्सिडी हो गई है तो आपको पड़ा 3,80,000 का, इससे अच्छी बात तो कुछ हो ही नहीं सकती। तो इस कारण इस प्रोजेक्ट पे लोगों का रुझान और बढ़ा कि ऑलरेडी बिल्डर ने इतना कम का दे रखा है, फिर 2,20,000 की सब्सिडी और आज की डेट में वो 2,20,000 की सब्सिडी 2,67,000 हो गई है। प्रधानमंत्री का तो सपना है ही कि हर व्यक्ति के सर पे छत हो, उसके साथ अभिराज ने अपना सपना जोड़ दिया और इस योजना का भरपूर लाभ अपने कस्टमर्स को दिया और हर व्यक्ति के सर पर छत हो इसके लिए भरपूर प्रयास किए हैं अभिराज ने। अभिराज आगे और आपके कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं? इसके बाद फिर हमने प्रोजेक्ट लॉन्च करा चित्रांश टावर। ये बेसिकली मंडीदीप में 3 किलोमीटर अंदर प्रोजेक्ट है और चित्रांश टावर जो प्रोजेक्ट है उसमें 34 फ्लैट थे, वो 10 लाख रुपए का 1 BHK और 11 लाख रुपए का 2 BHK, 9 लाख का 1 BHK और 11 लाख रुपए का 2 BHK लगभग वो प्रोजेक्ट था चित्रांश टावर हमारा। और वो चित्रांश टावर प्रोजेक्ट में भी सब्सिडी का बड़ा था और उसकी लोकेशन भी काफी अच्छी थी, तो वो हमारा प्रोजेक्ट पूरा सोल्ड आउट हो चुका है और वो उसका हमने पोजीशन भी कर दिया। बेसिकली वैष्णो एवेन्यू का पोजीशन अभी स्टार्ट हुआ लेकिन चित्रांश टावर का हम पोजीशन पहले कर चुके हैं क्योंकि ये प्रोजेक्ट बहुत बड़ा था, इसमें 100 फ्लैट थे उसमें 34 थे और वो प्रोजेक्ट हम कर चुके हैं और ये प्रोजेक्ट में हमारा पोजीशन स्टार्ट है, लोग आ रहे हैं पोजीशन अपना ले रहे हैं। अभिराज अभी रनिंग में आपने कोई न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया हो? देखिए नए प्रोजेक्ट में बड़ी एक मजे की बात और आपको सुनाते हैं। क्या हुआ कि लोग बोलते थे फ्लैट तो सस्ता मिल जाएगा, 6 लाख 7 लाख 8 लाख की रेंज में आप फ्लैट दे रहे हो। हमने एक नया कॉन्सेप्ट चालू करा कि देखिए क्या होता है, कोई भी जो लोअर क्लास का जो या मिडिल क्लास का जो क्राइटेरिया का जो कस्टमर रहता है ना, देखो उसको घर जीवन में एक ही बार बनाना है, वो एक बार उसने ले लिया इसके बाद वो दोबारा ना उसकी हिम्मत होगी ना वो करेगा ना वो सोचेगा। तो उसका एक रुझान हमने सुना कि उसका क्या रुझान है, तो उसने बोला यार हमको 6-7-8 लाख रुपए में हम खर्च कर रहे हैं लेकिन फ्लैट की जगह अगर एक सिंगलेक्स या डुप्लेक्स स्वतंत्र मकान मिल जाता तो बड़ा मजा आ जाता। फिर हमने इस पे वर्किंग चालू करना शुरू करी 2018 में ही शुरू करी बेसिकली। हाँ 2018 में ही हमने वर्किंग चालू करी क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमारे सब पोजीशन पे आ गए थे। तो हमने एक प्रोजेक्ट टेक ओवर किया, वो था ताप्ती डिवाइन सिटी करके प्रोजेक्ट था, उसमें भी बड़ा मजा हमको ये आया कि अब हमने फ्लैट की जो रेंज थी 6 लाख वाली रेंज और 8 लाख वाली वो हमने अब सिंगलेक डुप्लेक्स में ला दी क्योंकि हमको जमीन सस्ती मिली। इसके बाद हमारा जो कॉन्सेप्ट था कि हमको प्रधानमंत्री आवास योजना का फायदा दिलाना है, इसके बाद हमारे मार्जिन्स कम है उसके अंदर, तो काफी हमको उस चीज का बेनिफिट मिला और हमने सिंगलेक डुप्लेक्स बेचना शुरू कर दिए हैं। और ताप्ती डिवाइन सिटी के बाद हमने एक प्रोजेक्ट और है उसमें हमने कुछ लैंड परचेस करी है, प्रोजेक्ट रेडी प्रोजेक्ट है, वो डेवलप्ड प्रोजेक्ट है। ताप्ती डिवाइन सिटी तो खैर हम डेवलप करेंगे अभी क्योंकि वो पूरा प्रोजेक्ट ही टेक ओवर हुआ है और ये वाला प्रोजेक्ट में ऑलरेडी डेवलप्ड प्रोजेक्ट है, इसमें मेरे पास लगभग 34 या 35 के आसपास प्लॉट्स हैं और ये भी वो 10 लाख रुपए में 2 BHK सिंगलेक्स है और उसमें मेरे पास 5,99,000 में सिंगलेक्स की स्टार्टिंग है। तो अब हमने अफोर्डेबल हाउसिंग भी हो गया आपका, सिंगलेक डुप्लेक्स भी हो गया, प्रधानमंत्री आवास योजना भी हो गई और अब लोगों का फ्लैट से ज्यादा हमको इतना हमको सक्सेस उस फ्लैट में नहीं मिला था
जितना हमको सिंगलेक्स और डुप्लेक्स में मिल रहा है, इसमें लोगों का काफी इंटरेस्ट है, तो हम अभी यही काम कर रहे हैं आजकल। अभिराज, बिल्डर का एक क्रूशियल पीरियड क्या होता है, कौन सा ऐसा टाइम होता है जिसमें बिल्डर को दो कदम पीछे हटना पड़ता है, ऐसा कुछ होता है बिल्डर के लिए? हाँ बिल्कुल होता है बिल्डर का। देखिए क्या होता है, कोई भी बिजनेस होगा वो फंड के ऊपर चलता है, फंड का मैनेजमेंट ही पूरा आपके बिजनेस को रन करता है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आपके पास इनकमिंग 1 रुपए और जो आपको लोगों को देना है या आपको अपना कंपनी में खर्चा है वो 5 रुपए का होगा, तो ऑब्वियसली उसमें इक्वेशन बिगड़ती है। बीच में एक सिचुएशन आई थी नोटबंदी की, उस वक्त सभी बिल्डर्स का बैक टू पवेलियन टाइप का हालात हो गए थे, कई लोगों ने तो बिल्डरशिप छोड़ दी थी, उस वक्त वो वक्त आपने कैसे निकाला? देखिए उस वक्त का मेरे पे 1 रुपए का भी फर्क नहीं पड़ा। फर्क ना पड़ने का सबसे बड़ा रीजन था कि सबसे पहला तो मेरा अफोर्डेबल हाउसिंग वाला प्रोजेक्ट था, दूसरा क्या होता है कि हमारा जो कॉस्ट है हम गवर्नमेंट कॉस्ट पे अपनी चीज को बेचते हैं। मतलब अगर गवर्नमेंट वैल्यू किसी भी फ्लैट की या किसी भी मकान की 5 लाख रुपए, तो हमारा ऑलरेडी 5 लाख रुपए है। अंतर कहाँ पे आता है, अंतर वहां पे आता है कि जब आपका गवर्नमेंट वैल्यू में और जो सेल वैल्यू में उसमें कहीं डिफरेंस हो, तो बेसिकली हमारा ऐसा डिफरेंस कहीं है नहीं है और बिल्डरों को शायद होगा इसलिए प्रॉब्लम आई। तो ये हैं अभिराज, अभिराज से हमने उनके सक्सेस पर बात की। अभिराज एक ऐसी शख्सियत हैं जिनको कोई रोक नहीं सकता, ये वो दरिया हैं जो निकल पड़े हैं, कोई बांध उनको बांध नहीं पाएगा। अभिराज वो सीमाएं पार करना चाहते हैं जिस सीमा के बाद सिर्फ और सिर्फ ऊंचाई नजर आए। शुक्रिया अभिराज दखल न्यूज पे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आप लोग ने इतना समय मेरे लिए दिया और मेरी चीज को सुना समझा, इसके लिए मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल दखल न्यूज में इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।